वही उपचुनाव में अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द हो जाने के बाद सूरजपुर जिले में भी सियासत शुरू हो गई। अमित जोगी का नामांकन रद्द होते ही यहां बीजेपी हमलावर हो गई। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मरवाही उपचुनाव त्रिकोणीय था, लेकिन अब सीधे बीजेपी की जीत नजर आ रही है। कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए पैकरा ने कहा कि कांग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है। प्रदेश में बहुमत के बाद भी कांग्रेस को अपनी साख बचाने की चिंता है। इस होड़ में मरवाही में मंत्री से लेकर विधायक तक एक एक पोलिंग बूथ पर डटे हुए हैं। इसके बावजूद मरवाही उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन अब आमने सामने जिस तरह ऋचा जोगी की और अमित जोगी जी के उनका पेपर खत्म होने से निरस्त होने जाति प्रभाव निरस्त होने से उनके नामांकन रद्द किए गए हैं जो जानकारी आ रहा है, इससे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां निश्चित लाभ मिलेगा। खबर इंदौर से, जहां बीजेपी से नारा